बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे पिंक टी की रेसिपी। सर्दियां आते ही इस चाय का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, तो कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि चाय का कलर अच्छा नहीं आता, तो वो लोग चाय में कलर यूज़ करते हैं और होटलों जैसी गाढ़ी चाय नहीं बनती है। तो आज हम आपको ये सारे टिप्स बताएंगे। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम पानी ले लेंगे, जो कि हमने लिया 3 कप। उसमें हम डाल लेंगे 3 छोटी इलायची ले लेंगे, पिंक टी ले लेंगे 3 टीस्पून, और इसमें शामिल कर लेंगे हम 1/3 टीस्पून नमक का, बादियान का फूल 3 लौंग, और इसके पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ें हम गर्म पानी में डाल देंगे और इसको पकने देंगे। हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि जो हमने 3 कप पानी लिया है वो 2 कप रह जाए, और साथ में हम इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे। इससे बहुत अच्छा कलर निकल आएगा। और जब ये 2 कप रह जाए तो इसमें हम ठंडा पानी लेंगे, 1 कप वो शामिल कर देंगे, और अगर आपके पास आइस क्यूब है तो आप वो डाल लें। हम इसमें जितना ठंडा पानी डालेंगे उतना अच्छा इसमें कलर आएगा। इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हमने इसमें सोडा और नमक भी यूज़ किया है, उसकी वजह से भी अच्छा कलर आएगा। और चाय को गाढ़ा कैसे बनाएंगे उसको अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो इसका बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, हमें ऐसा ही कलर चाहिए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे दूध, जो कि हमने लिया है 3 कप, वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर दूध मैंने फ्रेश लिया है, ये फुल क्रीम है, आप कोई डिब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको और फेंट लेंगे ताकि इसका और अच्छा कलर आ जाए। और इसको गाढ़ा करने के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर के लेंगे, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको डालने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि अच्छे से वॉइल आ जाए। और अगर अभी तक आने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। तो इस चाय को हम अच्छी तरह से पका लेंगे, उसके बाद हम इसको कप में डाल लेंगे। शुगर हमने भी नहीं इसमें शामिल किया, इसलिए कुछ शुगर लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते हैं, तो इसमें बाद में डाल लेंगे। शुगर डालकर इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम नट्स डाल लेंगे। 2 कप में मैंने क्रीम यूज़ की है, 1 सिंपल टी का कप है। तो नट्स डालने आप, ये बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा कलर इसका आ चुका है और बहुत ही मज़े की चाय है ये। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।